है माँ? क्या हुआ रवि? भाई मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज मुझे एक लिस्ट दी गई थी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें उन लोगों के नाम है जो स्मगलिंग और दूसरे गैर कानूनी काम करते हैं। उनमें से एक नाम तुम्हारा भी है। तुम्हें और कुछ कहना है? इस पर साइन कर दो, इस पर साइन कर दो। क्या है इस कागज में? इसमें लिखा है कि तुम अपने सारे जुर्म, अपने काले पैसे, अपने साथियों के नाम, सब कुछ पुलिस को बताने के लिए तैयार हो। रवि तुम्हें याद है बचपन में आपने कितनी रातें भूखे पेट फुटपाथ पर गुजारी? भाई तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है कि माँ अपनी बीमारी में भी 2 रुपए कमाने के लिए मजदूरी करती थी? भाई तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी, वो दो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी? भाई तुम साइन करोगे या नहीं? हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन मैं अकेले साइन नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे बाप का साइन लिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरी माँ को गालियां देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरी हाथ पर ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस भी कागज पर कहोगे उस पर मैं साइन कर दूंगा। दूसरों के पाप गिनाने से खुद के पाप कम नहीं होते भाई। दूसरों के जुर्म साबित कर देने से ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि तुम भी एक मुजरिम हो। और ये सच्चाई तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार है, और जब तक ये दीवार है तुम और मैं एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर अभी इसी वक्त। चलो माँ, तुम जाना चाहते हो तो माँ जाओ, लेकिन माँ नहीं जाएगी। माँ मेरे साथ चलो। कहा मैंने कि माँ नहीं जाएगी? माँ जाएगी। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत चाहती हो और तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ। नहीं माँ, तुम नहीं जाओगी। वो आदमी जिसने तेरे बाप का साइन लिया था वो तेरा कौन था? कोई नहीं। वो आदमी जिसने तेरी माँ को गालियाँ देकर निकाला था वो तेरा कौन था? कोई नहीं। वो आदमी जिसने तेरे हाथ पर ये लिख दिया था कि तेरा बाप चोर है वो तेरा कौन था? कोई नहीं। मगर तू तो मेरा अपना बेटा था, मेरा अपना खून। तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका अपना बेटा एक चोर है? लेकिन माँ मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया। ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपये, ये पैसे सब तुम्हारा है, और तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? पापा पापा, क्या हुआ बेटा? पापा मुझे एक न्यू आईफोन चाहिए। वाव, आईफोन, वो क्या होता है बेटा? पापा वो एक फोन है। तुम्हें फोन क्यों चाहिए? तुम्हारे पास तो सैमसंग का एक फोन है। पापा मेरे सारे दोस्तों के पास है, मुझे भी चाहिए। कितने का है बेटा? पापा यहीं करीबन 1.5 लाख का है। 1.5 लाख? 1.5 लाख का फोन? क्या है इसे, इसमें क्या चीजें हैं? कुछ नहीं पापा, बस कैमरा अच्छा है। नहीं मैं नहीं दिलाऊंगा तुम्हें फोन। पापा मगर मेरे पास सारे दोस्तों के पास है। नहीं मतलब नहीं। पापा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं अब अभी। बेटे बेटे, सच में चले गया? वाह, अब क्या करूं? हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो हेलो बेटे, हेलो हेलो हेलो
बेटे, हेलो हेलो बेटे बेटे, अब तो आईफोन लेना पड़ेगा। हेलो, मुझे एक लोन चाहिए था। कितने का सर? मुझे 1.5 लाख का लोन चाहिए। किस वजह सर? मुझे आईफोन खरीदना है। ठीक है बेटे, हेलो बेटे 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 बेटे, मैंने सुबह फ़ोन ले गया। बेटे तुम किधर हो? बेटे जवाब दो। बेटे बेटे बेटे, पापा 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 मर गया, पापा मुझे नहीं चाहिए आईफोन, पापा 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 वापस आओ, पापा पापा पापा। माँ भी गई, पापा भी गए, अब मैं क्या करूँगा? मैं अभी चले जाता हूँ। थैंक यू। अजू मनीलैंडर एंड बसानियो लव विद पोर्शा एंड एंटोनियोस बेस्ट फ्रेंड, एक्ट 1 सीन 3, वेनिस अ पब्लिक प्लेस। Well, huh, sir, for 3 months, well, for which, as I told you, Antonio shall be bound. Antonio shall be bound. Will you please me? May I study you? Will you pleasure me? Please, I know your answer, please. 3,000 ducats for 3 months, and Antonio bound. Your answer to that? Antonio is a good man. Have you heard any importation to country? Oh no. My meaning was saying he's a good man is to have you understand me that he is sufficient. Yet his means he aristocracy bound to Tripuris, another to Indies. I understand moreover to Rialto, but ships but bold, sailors but men. They will be land rats, water rats, land thieves, water thieves, and so many things in the seas. But the man, notwithstanding, sufficient, but 3,000 ducats. What do you mean? And I think I may bound his. Be assured, you me. I will be assured. I may, but I may be assured too. I will bethink me. May I speak with Antonio? Please, if you dine with us. Oh, yes. But to smell pork, I can talk with you, sell with you, speak with you, and many more. But I not eat with you, drink with you, or pray with you. What about the Rialto? Who is coming here? Thank you. Kanda, ekke ninage ee hata. ಯಾವ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ ಗಡ 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 ಎಂದು ನಡುಗುತ್ತಿರುವ ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೇ, ಆ ಹರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹರಿಯೇ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದನೆ? ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದನೆ? ತಂದೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನಿಜ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವರನ್ನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವರು? ಅವರ ತಂದೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವರನ್ನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವರು? ಅವರ ಅವರನ್ನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ತಂದೆ?
ಯಾರು? ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಸಾಕು, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು. ಹರಿ 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 ಎಂದು ನಾಮ ಹರಿ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತೀರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಹರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಅವನು? ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಆ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಆ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ನನ್ನ ಕುಲವೈರಿ ನರಸಿಂಹ ಹರಿ, ನಾನು ನಿನಗೂ ಇನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. मशीन, आप मुस्कुरा क्यों रहे? सर, मैं बचपन से चाहता था कि एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ूं और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. सर, ज़्यादा मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है. मशीन का डेफिनेशन बताओ. सर, मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट. सर, कैन यू प्लीज इलैबोरेट? सर, हर वो चीज़ जो इंसान का वक्त बचाए, काम आसान करे, वो मशीन है. सर, हर वो चीज़. फॉर एग्जाम्पल, आपको गर्मी लगी, बटन दबाओ, हवा चालू, फैन, मशीन है. सर, माइला दूर अपने दोस्त से बात करना चाहते, टेलीफोन, मशीन है. सर, करोड़ों का हिसाब चुटकी में कर देने वाला कैलकुलेटर, मशीन है. सर, हम एक्चुअली मशीनों से घिरे हुए हैं. सर, पेन के निब से ले तक पैंट के जिप तक सब मशीन है. सर, एक सेकेंड, अप डाउन अप डाउन. अरे, डेफिनेशन बताओ. सर, मैं वही बता रहा था. सर, एग्जाम में ये सब लिख के आओगे, मशीन है, अप डाउन अप डाउन. इडियट. एनीबडी एल्स? यस. सो मशीन इज अ कॉम्बिनेशन दैट आर सो कनेक्टेड दैट देयर रिलेटिव मोशंस आर कंस्ट्रेंड, व्हिच मींस टू से दैट देयर फोर्स एंड मोशन आर transmitted and modified as a screw and a nut, a pivot to its pulley, a lever to turn about its fulcrum, etc. Especially mechanical construction that are consisting of simple elements like wheel, lever, pulley, etc. Yeah, perfect. Sit down. सर, मैं भी वही बता था. सर, आसान भाषा में, अगर आपको सिंपल भाषा पसंद है तो आर्ट्स या कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कीजिए. सर, और भी ऐसे किताबें हैं जो आप किताब से ज़्यादा जानते हैं. किताब में यही डिफिनेशन है और अगर आपको पास होना है तो आप यही लिखेंगे. सर, फिर भी ऐसे किताबी भाषा रख के क्या फ़ायदा है? सर, मतलब भी समझ में आना चाहिए ना. गेट आउट. सर, ओके, वाय? आसान भाषा में बाहर जाइए. इडियट. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मशीन्स. आप फिर से अंदर क्यों आ रहे हो? सर, मैं कुछ भूल गया था. सर, क्या? सर, वो इंस्ट्रूमेंट्स दैट एनालाइज, समराइज, ऑर्गेनाइज, डिबेट विथ फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन, विच एजुकेट अबाउट द थिंग्स दैट आर इलस्ट्रेटेड, नॉन इलस्ट्रेटेड, विथ फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन, with forward introduction, table of contents, index that are intended to the enlightenment, enhancement, enrichment and understanding, with education of human brains to the sensory root of vision, sometimes touch. अरे, कहना क्या चाहते हो? सर, किताबें. सर, बुक्स. मैं बुक्स भूल लगाया था. सर, ले लूँ? अरे, तो सीधे सीधे बोल सकते थे. सर, मैंने थोड़ी देर पहले यही कोशिश किया था. सर, पर आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया. सर, थैंक यू. LLB कोर्स इन अरशद वारसी. ये लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं, कौन हैं ये लोग? कहाँ से आते हैं ये?
इनके पास ना रहने को घर है, ना रोज़गार है, ना पैसे है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों पे बदसूरती का पट्टा बांधने, क्यों जनाब? लेकिन इन भूखे नंगे भिखारियों के पास भी एक चीज़ का हक है, और वो है जस्टिस। और ये हक ना राजपाल साहब मुझसे छीन सकते हैं, ना आप और ना ये कोर्ट, क्योंकि ये हक उन्हें देता है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब कभी इनके इंसाफ की बात आ जाती है तो कानून के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं जनाब। इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, डेट दी जाती है, भरोसा दिया जाता है, वादे किए जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं जनाब, इंसाफ नहीं दिया जाता। 120 की स्पीड से आता हुआ ये यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, यंग एंड इनोसेंट। राजपाल साहब कहते हैं इज इट अ जोक, नो इट्स नॉट अ जोक। जोक क्या है मैं आपको बताता हूँ। पिछले 8 महीनों से राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया है। 6 महीने और ये केस चलने दीजिए, फिर राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन थी। साल भर और ये केस चलने दीजिए, फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि ये आदमी सदाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है, और लैक ऑफ एविडेंस के नाम पे आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। दैट इज द जोक जनाब, ये जोक है। थैंक यू। ಏನು ಪಾರ್ಥ ಹಾ ಕೆಂಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ, ಈಗ ಆ ಶಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯವೆಲ್ಲ ಉರಿದು ಹೋಗಿ ಪಾಪದ ಮೂಟೆ ನಿನ್ನ ಹೆಗಲು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಗಾಂಡೀವ ಹೂಡು, ಪರಮೇಶ್ವರನು ಕಟ್ಟ ಆ ನಿನ್ನ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ, ಶಿವನನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಿನ್ನ ಶೌರ್ಯ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯಲಿ, ಅಥವಾ ಶಿವನನ್ನು ಗೆದ್ದೆ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಮಣ್ಣಾಗಲಿ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮದಾಂಧ ಮೂಢ, ಅವರಿವರನ್ನು ಕೊಂದೆ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ ಮೂರ್ಖ, ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರವಿಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನನ ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮ ನಿನಗೇನು ತಿಳಿದಿದೆಯೋ? ಬಬ್ರವಾಹನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾರು ತಿಳಿಯರು ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮ, ಸಮರದೋಳ್ ಗರ್ಜಿಸಿದ ಆ ನಿನ್ನ ವಿಜಯಗಳ ಮರ್ಮ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ ನೀನು ತೃಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಸಹಾಯ ಶೂರ ನಾ ಅಕ್ಷೀಣ ಬಲನೋ, ಹರನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಪಾಶುಪತವನ್ನು ಪಡೆದವನೋ, ಆಗ್ರಹದೊಳೆದುರಾಗೋ ಹರಿಗಳಂ ನಿಗ್ರಹಿಸೋ ವ್ಯಾಘ್ರನಿವನೋ, ಉಗ್ರ ಪ್ರತಾಪಿ. ಆಗ ಬಬ್ರೋಹನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಓಹೋಹೋಹೋ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಾಪಿಯ, ಸಭೆಯೊಳಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆಳೆವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು ಈ ನಿನ್ನ ಶೌರ್ಯ, ನೋಪುರಂಗಳ ಕಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ ಥಕಥೈಯಂದು ನಾಟ್ಯ ಕಲಿಸಿದ ನಪುಂಸಕ ನೀನು, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನುಗ್ಗಿ ಛಲದಿಂದ ಭೇದಿಸದೆ ಮಗನನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟ ಭ್ರಷ್ಟ ನೀನು, ಗಂಡುಗಲಿಗಳ ಗೆಲ್ಲೋ ಗುಂಡಿಗೆಯು ನಿನಗೆಲ್ಲೋ ಖಂಡಿಸದೆ ಉಳಿಸುವೆ ಹೋಗೋ ಹೋಗಲು ಶಿಖಂಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ದಶಕಂಠರಾವಣ, ಆ ಶಿವನ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ಈ ರಾವಣ, ಇನ್ನು ಈ ಧನುಷ್ಯ, ನಾನು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ, ಶ್ರೀರಾಮನೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.